बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडे आलू की भुर्जी, जो बच्चे के टिफिन में भी अपने बांध सकते हैंगे और बड़े ही शौक से खाते बच्चे भी, और घर पे भी नाश्ते में हम बना के खा सकते हैं। और बड़े ही मजे की ये रेसिपी बनती है और झटपट बनती है। ये हमने दो आलू लिए हैं, दो अंडे लिए हैं और एक छोटी हरी मिर्ची लिए हैं, बस एक ही हरी मिर्ची लिए। अब चलिए बनाते हैं। हमें इसे पतली स्लाइस में आलू को काटना है। ये आलू हमने ऐसे पतली स्लाइस में काट लिए हैं। कुकर हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया तो इसी में हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा थोड़ा सा लाल हो गया। अब इसी में हम हरी मिर्ची डाल देंगे। ये देखो हमारी हरी मिर्ची भी लाल हो गई। अब इसी में हम आलू डाल देंगे। हमने 1/2 कटोरा थोड़ी सी हल्दी डालना, हमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची पीसी हुई, ये हमने चला ली इसको अच्छे से। और 1 चम्मच खाली पानी डालेंगे, बस इतना ही। हम ढक्कन लगा के दो सीटी आने पे हमें इसे बंद कर देना है। ये हमारे कुकर की पूरी स्टीम निकल गई है। अब हम खोलेंगे कुकर को। ये देखिए, इसी में हमको अंडे फोड़ के डालना है। अंडे डालने के बाद हमें इसे भूनना है। अच्छे से भुना गया अंडा भी इसके साथ, आलू के साथ। अब इसी पे हम थोड़ा सा कोथमीर डाल देंगे। ये बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है ये रेसिपी। आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और बहुत ही झटपट बन जाती है ये। आप नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। आलू अंडे की भुर्जी बनके तैयार है, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी अंडे आलू की भुर्जी बनके तैयार है। इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। और टिफिन के लिए भी बहुत अच्छी, नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छी, मजे की बनती है ये रेसिपी और झटपट बनती है। ऐसी ही मजेदार रेसिपी के लिए सेरो किचन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।